डिस्कस करेंगे ATVM मशीन ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के बारे में। रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर लगी लंबी कतार में खड़े यात्रियों को कम करने के लिए हमारे इंडियन रेलवे ने सबर्बन और नॉन सबर्बन स्टेशनों में ATVM मशीन लगवाई। ये ATVM मशीन सबसे पहले मुंबई के अनरिजर्व टिकट काउंटर में लगी लंबी कतार को कम करने के लिए इंडियन रेलवे द्वारा लगाई गई थी। ओवरऑल 3000 प्लस ATVM मशीन अवेलेबल है मेजर रेलवे स्टेशनों में। ये एक क्यूलेस टिकटिंग सिस्टम है जो टिकट परचेस करने के लिए सबर्बन और नॉन सबर्बन दोनों रूट प्रोवाइड करती है। ऑटोमेटिक टच स्क्रीन बेस्ड टिकटिंग कियोस्क ATVM स्मार्ट कार्ड का यूज़ करती है। अब हम जानेंगे ATVM बेस्ड स्मार्ट कार्ड है क्या। ये स्मार्ट कार्ड किसी भी नॉमिनेटेड स्टेशन के टिकट काउंटर से हम इशू करवा सकते हैं। इस स्मार्ट कार्ड को इशू करने के लिए हमें लंबी कतार में लगने के बजाय इसके स्पेशल काउंटर में जाकर विदाउट फोटोग्राफ्स और आईडी प्रूफ के सिर्फ 100 रुपये डिपॉजिट करने पर इशू करवा सकते हैं। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम स्मार्ट कार्ड इशू करते हैं, इसलिए इस 100 रुपये में से 50 रुपया एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टम द्वारा डिडक्ट कर लिया जाता है और जो बचे हुए 50 रुपये में 3% बोनस ऐड होकर आपके स्मार्ट कार्ड के बैलेंस में ऐड हो जाएगा, जो आप जर्नी टिकट परचेस करने के लिए ATVM में यूज़ कर सकते हैं। ATVM का जो मैक्सिमम रिचार्ज है वो 10,000 रुपये तक होता है और आपकी हर रिचार्ज पे 3% का बोनस ऐड होता जाएगा। ATVM की वैलिडिटी आपके लास्ट रिचार्ज के डेट से 1 साल तक की होती है। अब हम अपने रेलवे स्टेशनों में बहुत से पैसेंजर ऐसे देखते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्हें स्मार्ट कार्ड के थ्रू ATVM ऑपरेट करना नहीं आता, जो भीड़ में जाकर टिकट नहीं ले सकते। तो ऐसे यात्रियों के लिए हमारी इंडियन रेलवे ने ATVM मशीन के सामने एक फैसिलिटेटर रखा है। ये फैसिलिटेटर ATVM से जुड़ी सारी दिक्कतों को सॉल्व करने में यात्रियों की हेल्प करती है। ये फैसिलिटेटर शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हैं, 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड करती है। ये फैसिलिटेटर इंडियन रेलवे के रिटायर्ड एम्प्लॉय द्वारा कमीशन बेसिस पे रखी जाती है। अब हम बात करेंगे कि ATVM मशीन को स्मार्ट कार्ड के थ्रू कैसे यूज़ किया जाता है। तो स्मार्ट कार्ड के थ्रू यूज़ करने के लिए हमें स्मार्ट कार्ड को ATVM मशीन के कार्ड रीडर में रखना होगा। कार्ड रीडर में रखते ही हमारा स्मार्ट कार्ड स्कैन हो जाएगा। स्कैन होते ही हमारे पास लैंग्वेज चूज करने के 3 ऑप्शंस मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा। तो जैसे ही हम अपने अकॉर्डिंग भाषा का चयन करते हैं, हमारे पास स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शंस जैसे रिन्यू सीजन टिकट, रिचार्ज स्मार्ट कार्ड, प्रिंट मोबाइल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, स्मार्ट कार्ड डिटेल, यूजिंग मैप, फास्ट बुकिंग, ऑल अदर स्टेशन। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि टिकट परचेस कैसे करते हैं। टिकट परचेस करने के लिए हम 2 ऑप्शन, यूजिंग मैप या ऑल अदर स्टेशन में जा सकते हैं। यूजिंग मैप में चलिए। इसमें डिस्प्ले होगा आपका मैप। मैप से आप जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना स्टेशन पता है तो आप अपने ऑल अदर स्टेशन में जाइए, स्टेशन का कोड डालिए या आप अपने स्टेशन के 3 अल्फाबेट डाल के भी स्टेशन सर्च कर सकते हैं, वहां से आप अपना स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेशन सेलेक्ट होने के बाद आप चेंज जर्नी डिटेल में जाइए। चेंज जर्नी डिटेल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ट्रेन टाइप, नंबर ऑफ टिकट जो मैक्सिमम 4 होता है, जर्नी टाइप, क्लास। उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स पुट करने के बाद आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा। आप प्रिंट का ऑप्शन दबाइए, आपका टिकट प्रिंट होकर बाहर निकल जाएगा। याद रखिएगा, जब तक आपका टिकट प्रिंट होकर नहीं निकलता, आप अपने स्मार्ट कार्ड को रिमूव नहीं कर सकते, अदरवाइज एरर सर्विस आ सकता है। रिन्यू सीजन टिकट दूसरा ऑप्शन है। रिन्यू सीजन टिकट अगर आपको अपना सीजन टिकट रिन्यू करना चाहते हैं तो आप ATVM की रिन्यू सीजन टिकट में जा सकते हैं। वहाँ आपको अपना ओल्ड UTS नंबर ऑफ सीजन टिकट डालना होगा। अगर आपको अपना स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करना है तो काउंटर के बजाय आप ATVM में भी आ सकते हैं। जहाँ रिचार्ज स्मार्ट कार्ड में जाइए, अपना अमाउंट डालिए और आपका स्मार्ट कार्ड रिचार्ज हो जाएगा।
प्रिंट मोबाइल टिकट, जो आपने सुना था प्रीवियस वीडियो में, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमारे एक फ्रेंड्स ने बताया था यूटीएस ऑन मोबाइल के बारे में। ये यूटीएस मोबाइल ऑन मोबाइल में एक था पेपर टिकट, तो इस पेपर टिकट को प्रिंट करने के लिए हम ETVM का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम प्रिंट मोबाइल टिकट ऑप्शन में जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, वो बुकिंग आईडी एंटर करेंगे। याद रखिएगा, मोबाइल नंबर और बुकिंग आईडी वैलिड होनी चाहिए। फिर प्रिंट ऑप्शन में जाकर हम टिकट प्रिंट करवा लेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट परचेस करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट में जाएंगे, नंबर ऑफ टिकट्स डालेंगे और प्रिंट ऑप्शन में प्रिंट करवा लेंगे। स्मार्ट कार्ड डिटेल, अगर आपको अपना स्मार्ट कार्ड का डिटेल देखना है, बैलेंस चेक करना है, तो स्मार्ट कार्ड डिटेल में जाइए, बैलेंस को डिस्प्ले कीजिए और आपका बैलेंस डिस्प्ले हो जाएगा। फास्ट बुकिंग, ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, जिसमें आप अपना डिस्प्ले स्टेशन में जाकर, स्टेशन डिस्प्ले होगा, वहाँ से अपना स्टेशन सेलेक्ट कीजिए, सिंगल और रिटर्न एट ए टाइम दोनों सेलेक्ट करके आप अपना टिकट प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप अपनी यात्रा रद्द करना चाहते हैं और टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप टिकट काउंटर्स में जाइए, एज पर कैंसिलेशन रूल आप अपना टिकट कैंसिल कर सकते हैं। ये टिकट ETVM द्वारा निकली हुई टिकट काउंटर टिकट के जैसा ही ट्रीट किया जाता है, मतलब इसके सारे रूल काउंटर टिकट के जैसे ही होते हैं। ये सारी सुविधाओं को देखते हुए ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ये ETVM एक वन टाइम टच स्क्रीन सिस्टम है, जो फास्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर हम चाहें तो 20 सेकेंड्स में, विद इन 20 सेकेंड्स में टिकट परचेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि सभी यात्री, रेलवे यात्री, ज़्यादा से ज़्यादा इस ETVM मशीन का यूज़ करें, इसका लाभ उठाएं और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।